स्वर संग्राम दंगल सुरो का। अब हमें महान मंच पर शोभा बढ़ावे खातिर स्वागत कर रहल बानी भोजपुरी सिनेमा के एगो ऐसा नाम जे एक साथ कई गो भूमिका निभावे ले, मतलब कि बहुत मल्टी टैलेंटेड बारे। यहाँ के हीरो हैं, फिल्म निर्माता हैं, क्रिकेट टीम के मालिक भी हैं, भैया और काका कर लो, और एगो शानदार गायक भी हैं। सही पकड़नी है। हम बुलावे जा रहे अलबानी प्रवेश लाल यादव जी के, और उनका साथ देवे आ रहे अलबानी आज रोमांस के और रोमांटिक करे भोजपुरी सुपरहिट एल्बम और फिल्मन के हीरोइन नीलम गिरी। स्वागत बा। ना कोनो दबाव में, ना कोनो मजबूरी में, जब तू कहबू प्यार करा तब प्यार करो भोजपुरी में। देखा जैसे कि आज तोरा के पता बा कि आज हमनी के प्यार वाला थीम बा, है ना जी। प्यार करब हम भोजपुरी में, है ना। केहू से प्यार व्यार कैले बड़ा कबो केकरो वजह से, मतलब दिल में कबो हलचल वलचल मचल। देखिए लाइफ में सबों को एक ना एक बार प्यार जरूर होता है, तो कभी मुझे भी हुआ था। मैं इजहार नहीं कर पाया था और एक बार किया भी। मेरे एक दोस्त ने मुझे कसम दिया कि तुझे मेरी कसम है, तुझे आज जाके उसे प्रपोज करना है। अच्छा, सच्चा दोस्त है जी। तो डरते हुए मैं उसके पास गया और मैंने कहा आई लव यू। उसने मुझे पहले देखा और चार गालियां दी, बोली अपना शकल देखे हो, तुम्हें जिंदगी में कभी कोई लड़की प्यार नहीं करेगी। चिंटू, जोन इनका दोस्त रहे जी, जोन इनके कहले रहे हाँ कि तू जाके बोल दे आई लव यू हाँ, अब इनकर दोस्त वहां वो लड़की के घर के आसपास जाके का गावत हुई जानत हुआ हाँ। सुर संग्राम के घर से आइल बा किसनवा, सुर संग्राम के घर से आइल बा किसनवा, लड़कियां खड़ी है इंतजार में, अभी खड़ी रहो देवियों कतार में। हमारे पास मलिंगा से जुड़ी हुई एक खुफिया खबर है। फिर आ गई। पता है कि नहीं मलिंगा, आपका गाना सुन के किसी ने आपका दिल तोड़ के तो चली गई, लेकिन कोई ऐसी भी है जो आपकी आवाज ने दिल पे ऐसा राज किया, उनके दिल पे वो टिकट कटा के आई हैं। अरे बाप रे। अभी फिलहाल इस स्टूडियो में मौजूद है वो। तू कहाँ पीछे भागा तू? तू आगे आवा। किसनवा, तू तो खूब पिटाएगा। अच्छा, ये मलाई चाटते हैं और हम फोन लगाते तो फोन काटते। अब तो हमको पहचान भी नहीं रहा है। इनकर पहले पहचान करे वही तो नहीं है। अरे मुआ। कौन है आप? हे भगवान। हेलो। मुंबई में हमारा कोई है भी नहीं और ये हमको पहचान भी नहीं रहा है। अरे देवी जी, देवी जी, देवी जी, देवी जी, सुनिए देवी जी, पहले ही बताई कि रउआ के बानी और का यू का। तुमने इन सबको नहीं बताया कि हम तुम्हारी प्रेमिका हैं? नहीं है? बहन बोला रे बाप रे, तू बहन दिया हे भाई। ई का का मामला का है? का बतावा, सही सही बतावा। हम नहीं जानते आपको। हैं ये अभी भी ना, हम नहीं जानते हैं आपको। हां अरे हम नहीं जानते, सच में इनको हम नहीं जानते। जब पार्क में ये साजिश है, मैं इनको नहीं जानता। अच्छा, और जब पार्क में नैन मटक का करते रहे तब तुमको याद नहीं आया ये साजिश है? पार्क? कौन सा पार्क? बेगूसराय का वो फेमस पार्क भूल गए तुम? अरे बेगूसराय में कोई पार्क नहीं। भाई ये तो बदल गया पार्क। भाई यार तू झूठ मत बोला, ऐसे पता चला था कि झूठ बोला था। बेगूसराय में पार्क बा। अरे बहन कौन है आप? नहीं जान रहे? बहन बोल दिया यार, बहन बोल रहा। हेलो हेलो। तो ये जस्ट प्रैंक था, मुझे इनकी सिंगिंग बहुत पसंद है। मैं इनकी इतनी बड़ी फैन हूँ, इतनी बड़ी फैन हूँ कि मुझे ये प्रैंक के बहाने यहाँ पर आना पड़ा, क्योंकि कोई ऑप्शन ही नहीं था मेरे पास। क्या बात बा। चलिए थैंक यू सो मच आवे खातिर, थैंक यू सो मच। बाकी ऐसे दोबारा मत डराइएगा। तो धीरे धीरे कितना सुघर लागे लगल बाड़ू। स्वर एक कलाकार के बहुत सुंदर बनावे लागेला। मलिंगा के
किशन के कोई रिजेक्ट कैले होई तो उस समय ओकरे सुर से परिचित नहीं होई। आज के परफॉर्मेंस भी तुहार बहुत अच्छा बाटे, लेकिन एकरा से थोड़ा सा और अच्छा हो सकत रहे। हाउ भी लियावे की बा, मुझे लगता है शायद ये गाना आपके लिए बना नहीं था। मुझे लगता है अब कंपटीशन में ऐसा कोई सॉन्ग सिलेक्शन आपसे नहीं हो कि आप वहां फंस जाए। 6.5 हमके लगा था कि राजनीति चालू हो गई बा। यूपी के जो टॉप प्रतिभागी लोग बा उनमें से हम देखा था नहीं अनामिका के, और सबसे अगर कम नंबर मिलल तो राजनीति एने से ना राजनीति ओने से चालू भइल बा। तो वही बात मैं बोलूंगी, लोग देख रहे हैं, जनता देख रहे हैं, क्योंकि आप डर गई। इतना भी बुरा नहीं गाया था कि उनको 6.5 नंबर दिया जाए। ये राजनीति नहीं कर रही हूँ, ये ईमानदारी है। तो अनामिका तो के कल्पना जी की तरफ से मिलल बा 6.5 अंक, और अभी मनोज भैया के अंक अभी गुप्त बा। अनामिका जी चाहे स्थान ग्रहण। भैया हो हमके तो बहुत जोर से आ रहल बा। नीलम जी जी बहुत जोर से आ रहल बा हमरा। क्या क्या डांस डांस अच्छा। हाँ आप इतनी खूबसूरत लग रही हैं तो आपको देख के जोर से ही ना आएगा। इतना जोर से डांस आ रहा है कि मेरा मन कर रहा है कि आपके साथ एक जोरदार तगड़ा परफॉर्मेंस होना चाहिए। कहा हो है ना, वाह कब। हेलो, अरे अभी हम शूटिंग पे बानी, हरिहर सूर संग्राम के मंच पे बानी यार, बिजी बानी अभी। हाँ अरे अरे लेकिन अभी अरे ऐसे कैसे, देखा देखा सॉरी ना, अरे सुना हमारे बच्चिया देखा, माइक चालू माइक। ये कहाँ चल गई हो, गर्लफ्रेंड का फोन आया होगा। हाँ तो गर्लफ्रेंड का फोन आया तो हम लोग क्या बेवकूफ बैठे इधर। गर्लफ्रेंड का फोन आएगा तो बेचारा थोड़ा सा समझ तो लीजिए फिर क्या हुआ है। समझना क्या, मैं ही चलता हूँ मंच पे, अभी बहुत नौटंकी हो रहा है इधर। चलिए शुरू करते हैं। नीलम जी आप यहाँ आई का आई, जोरदार ताली हो नीलम जी के लिए। आसमान से ला के चांद दे दे हब, आसमान से ला के चांद दे दे हब, तोहरा खातिर मोहब्बत के इम्तिहान दे दे हब। ये तो कहती थैंक यू। अरे हम तो आ रहे तू हमार हो, और तू कबू तो तोरे खातिर जान दे दे अब। अब का बकनात बड़ा तोरा जोन गैला ओकर में मौका ले ले ला। एक मिनट भैया एक मिनट। हाँ। सरासर धोखा भइल बा हमारा साथे ही मंच पे। कैसे सरासर जब यहाँ आइल बा कलाकार एक से एक। हाँ। तो कहे लिहल जाई ब्रेक। गजब हाल हो, जिंदगी में सीख याद रखी है, अगर देव मौका तो हो जाई धोखा, अगर देबा मौका तो हो जाई धोखा, अब बबुआ खड़े खड़ा बन जेबा बोका। चला ये यार बड़ भाई होके में ये दिक्कत होला, बड़का भैया सब अपन चांस मार लावे ला ना, हमनी के ऐसने रह जानी जा। चला कोनो बात ना, बुलावे जा रहल बानी अपना अगला प्रतिभागी के, जय बाड़े कुशीनगर के दीवाना धनंजय सिंह और कान्हा। जा तू जरूर बटे हो रूपवा सलोना में, जा तू जरूर बटे हो रूपवा सलोना में,
पानी के तुले गईलू हो ए सोना ओढ़नी के कोना में तिलवा बांधी के तुले गईलू हो ए सोना ओढ़नी के कोना में जानल जाओ सबसे पहले झारखंड के जाबाज टीम के कप्तान कल्पना जी से। बहुत अच्छा लगा। कान्हा का तो आवाज़ में एक अलग ही कशिश है, ये तो है ही, टोन ही अलग है आपका। सब कुछ अच्छा ही था, सिर्फ मैं ये बोलूँगी एक शायद सांस पे कंट्रोल कम है। ऐसा लगता है कि जैसे ये इतना तक मैं पूरा लंबा गा पाऊँगी कि नहीं, वो कंट्रोल मतलब छुटता हुआ दिखा मुझे थोड़ा सा। जब गाना गावेला तो अच्छा लागता और खड़ा होके के भी मन करेला, तो रखते खड़ा भी हो सकता नहीं। वाह वाह, गाना गावता जोरदार ताली। लेकिन हमारा कंफ्यूजन एक ही जगह बा कि तुहार वॉइस लोगन के कैसन लागता। एगो हम बात कहल चाहता नहीं, चूंकि एक डेढ़ साल पहले हमारा संगे ऐसा घटना घटा रहे कि हम गायकी छोड़ दिले रहनी। बहुत सारा लोग लागल कहे कि तार आवाज मतलब लड़की खान बा, तार आवाज अच्छा ना लगे ला, ए वजह से हम गायकी छोड़ दिले रहनी। और डेढ़ दो महीना हम बेकरी में काम भी कैले बनी, फिर हमके लागल जैसे हम ओजा बेकरी में धोए के पड़े बर्तन वगैरह, तो हम धोई या फिर रोई। ऐजा पुणे में हम काम करी, जैसे का होला ना कि आदमी कहला कि 18 साल के बाद आवाज़ चेंज हुई, जैसे उम्र के हिसाब से आवाज़ चेंज होला, तो लेकिन हमारे काज ने कहा है शुरू से हमारा आवाज़ यहीं रह गई। नहीं ओकर दुख मत मनिया, ओकर दुख कहे कि तुहार यही आवाज़ लुभा रहल बा अभी। ताज बा एलिमिनेशन के दौर हर टीम से निकल जाई है एक एक सुरवीर, जिनके नंबर हो ही अपना टीम में सबसे कम, ये है चक्रव्यूह के सीन। हर प्रदेश से हो जाई हैं सिर्फ तीन टीम। पूरा एपिसोड फ्री में देखे खातिर अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।